जय श्री कृष्णा। इलायची किचन में आपका स्वागत है। जन्माष्टमी स्पेशल में आज हम बनाएंगे मावा मिश्री लड्डू। चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। जन्माष्टमी स्पेशल में आज हम बनाएंगे मावा मिश्री लड्डू। इसके लिए मैंने 100 ग्राम मावा लिया है, 100 ग्राम के करीब पनीर है, पीसी हुई शक्कर है 40 से 45 ग्राम, और मैंने कुछ धागे केसर के भिगा के रखे है, और हम देसी मिश्री लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मावा मिश्री लड्डू। इसके लिए सबसे पहले मावे को हमको कढ़ाई में डालना है। ये घर का बना हुआ मावा है। इसको मावे को हमको पहले अच्छी तरह से गरम कर लेना है। बहुत ही फटाफट बनकर तैयार होते हैं और कृष्ण भगवान को ये लड्डू बहुत ही पसंद आते हैं, मावा मिश्री के लड्डू। कई जगह मलाई के लड्डू भी बोलते हैं इनको, आप जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। इसमें पिसी हुई शक्कर ही है। खड़ी शक्कर से क्या होता है, खड़ी शक्कर थोड़ा गलने में टाइम लेती है, तो उससे मावे का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने पिसी हुई शक्कर ही ली है। शक्कर की क्वांटिटी आप थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर वैसे इतनी ही सफिशियंट रहती है शक्कर इतनी क्वांटिटी में। 100 ग्राम मावा, 100 ग्राम पनीर के, इसमें मावा अच्छा अच्छी तरह से गर्म हो जाए, फिर हम इसमें शक्कर और पनीर डालेंगे। 5 से 7 मिनट में लड्डू बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप त्यौहार वगैरह पे, अभी गणेश जी का भी त्यौहार आ रहा है, तो उस पर भी बना सकते हैं लड्डू का भोग। देखिए ये मावा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। घर का बना हुआ मावा था तो इसमें ऑलरेडी घी है थोड़ा सा, मेरा फुल फैट दूध का ही मैंने मावा बनाया है। इसको जब बहुत ज़्यादा हमको तेज आंच पर और उस पर गर्म करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमको मावे का कलर चेंज नहीं करना है, मावे का कलर हमको वही रखना है। इसमें अब हम शक्कर मिलाएंगे, ये पीसी हुई शक्कर है, पीसी हुई शक्कर क्या फटाफट पिघल जाएगी, तो मावे का कलर भी चेंज नहीं होगा और फट से पिघल जाती है ये। आप मिक्सर में घुमा सकते हैं शक्कर को, तो शक्कर का पाउडर बनकर तैयार होता है। अब हम पनीर लेंगे, पनीर में थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, इसके कारण हमको पनीर को, 100 ग्राम पनीर है मेरा घर का ही बना हुआ पनीर है, मैंने पनीर की रेसिपी ऑलरेडी डाल चुका है वीडियो मेरा पनीर का, मैं इसकी लिंक आपके साथ में शेयर कर दूंगी। बस अभी सबको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद में ठंडा करके फिर इसमें हम जो हमने देसी मिश्री है उसको फोड़ कर डालेंगे। देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है मावा और पनीर और शक्कर। इसको अब हम ठंडा करेंगे और फिर ये लड्डू बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं एकदम, आप है ना उसको अच्छी तरह से उठा नहीं पाते, होल्ड नहीं कर पाते, ये वैसे ही टूट जाते हैं, बहुत सॉफ्ट लड्डू रहते हैं। इसके लिए देखिए इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है, हमने पीसी हुई शक्कर डाली तो, और पनीर और मावा दोनों ही ताज़ा था। आप चाहें तो मावे की जगह मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अब हम थाली में डाल के ठंडा करते हैं, गैस की फ्लेम को ऑफ करती हूँ मैं। इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं, ये ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसमें मिश्री और केसर वगैरह मिला के इसको लड्डू बनाना शुरू करेंगे। देखिए पूरा ठंडा हो गया है, मैंने इसको अच्छी तरह से मसल लिया है। अब इस टाइम पे इसमें हम देसी मिश्री मिलाएंगे, जो डले वाली मिश्री आती है इस टाइप की, मैंने इसको ये अपने जो इसमें इलायची कूटते हैं उसमें कूट लिया है, थोड़ी मोटी मोटी ही है, इस टाइम पे इसको हम डाल देंगे। हम इसमें इलायची वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, वैसे ही बहुत टेस्टी लगते हैं। इसके आगे हर मिठाई फीकी है और बन के भी बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, कोई आपको चाशनी की ज़रूरत नहीं है, कोई बिगड़ने का काम नहीं है।
बिगिनर्स भी बना सकते हैं, बच्चे भी बना सकते हैं इसको। चलिए अब हम इसके लड्डू बनाते हैं। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लें, मिश्री सब दूर मिक्स हो जाएगी। इस टाइप से बनाएं तो सब लड्डू इक्वल ही बनेंगे। इसके अंदर मिश्री की जो बाइट आएगी ना वो तो बहुत ही मस्त लगती है, इसलिए मैंने इसमें शक्कर भी थोड़ी कम ही डाल दी है। और ये लड्डू तो कम शक्कर के ही अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें मिश्री मिली हुई रहती है तो इसकी और अलग मिठास रहती है। ऐसे ही पूरे लड्डू हम बनाकर तैयार करते हैं। देखिए सब लड्डू बनकर तैयार है, करीब 9 या 10 लड्डू बने हैं इतने मेजरमेंट में। 100 ग्राम मावा और 100 ग्राम पनीर और बाकी शक्कर 40 ग्राम के करीब शक्कर है। तो आप भी बना सकते हैं, जैसे पेपर कप मार्केट में मिलते हैं बहुत सस्ते मिलते हैं, इसमें आप ये लड्डू रख सकते हैं। बिल्कुल कोई बोल ही नहीं सकता कि आपने ये लड्डू घर पर बनाए हैं। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप ये लड्डू बनाइए। और इसमें हम अब ये मैंने दूध में मिला के केसर रखी थी तो हल्का सा इसको हम बढ़िया सा टच दे सकते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा। साथ में ये थोड़ी सी कतरन है ड्राई फ्रूट्स की, ये भी साइड में लगा सकते हैं। बाकी लड्डुओं में भी लगाते हैं। चलिए बनकर तैयार है मावा मिश्री लड्डू। आप भी बनाइए और बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।